बुरहानपुर जिले के देड़तलाई गांव के ग्राम गोदरी में गरीब छात्रों से मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला ग्राम गोदरी के आदिवासी बालक छात्रावास का है, जहां छात्रावास में बच्चों से मजदूरी और कपड़े धोने के साथ साथ रोटियां तक बनवाई जाती है। वही अब छात्रों से काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, यह विद्यार्थी दूसरे गांव से आकर छात्रावास में पढ़ने के लिए रहते हैं, जबकि छात्रावास में छात्रों से काम करवाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सारे मामले में हॉस्टल अधीक्षक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वही जब यह वीडियो जिलाधिकारी के सामने आया तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को मामले की जांच के लिए छात्रावास भेजा और मामला सही पाए जाने पर छात्रावास अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये जानकारी कलेक्टर मैडम के संज्ञान में जैसे ही आई, कलेक्टर मैडम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश पाटीदार सर ने कल जाकर आश्रम में जांच की है और वीडियो में दिखाई गई बातें उसमें सत्यता थी। तो उस आश्रम का जो अधीक्षक है दिनेश भार्गव, उसको तत्काल प्रभाव से कलेक्टर महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसी ताकीद करेंगे सभी आश्रम वालों के बच्चों से इस तरीके के काम न कर। हाँ, आश्रम अधीक्षकों के निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं, फिर भी यदि और भी किसी छात्रावास में इस तरह की अधीक्षक द्वारा अनियमितता पाई जाएगी या उससे उसके द्वारा बच्चों से कार्य लिया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी कलेक्टर मैडम के संज्ञान में जैसे ही आई, कलेक्टर मैडम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश पाटीदार सर ने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गोपाल देवकर। जी गोपाल जी, तो क्या स्थिति है छात्रावास की, जहां बच्चों से काम कराया जा रहा है? या बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे गांव से यहां आए हैं और देखा जा रहा है कि बच्चे काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मुस्कान, जिस तरह से छात्रावास में जो है बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी, कपड़े धुलाए जा रहे थे, उनसे रोटियां तक बनाई जा रही थी, इस प्रकार का मामला जब सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, जिसके बाद यहाँ पर एमकेएन न्यूज ने भी जो है इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद कलेक्टर भव्य मित्तल ने जो है यहाँ छात्रावास के अधीक्षक राजेश को जो है निलंबित कर दिया है। अब बात आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से जो है गरीब बच्चों के साथ में यहाँ पर अन्याय हो रहा था और इस अन्याय के चलते जो है मजदूरी कराई जा रही थी। दूर दराज से गरीब आदिवासी बच्चे यहाँ पर जो है मजदूरी को पहुंचते हैं और शिक्षा को पहुंचते, लेकिन यहाँ उनसे जो है मजदूरी कराई जाती है। इस प्रकार का मामला जिस तरह से संज्ञान में आया और बहुत ही जो है संवेदनशील कलेक्टर भव्य मित्तल ने जो इस मामले को संज्ञान लेकर अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की है और उसे निलंबित भी कर दिया गया है और अन्य छात्रावासों के भी इसी प्रकार से जो है निरीक्षण के आदेश दिए गए। अब देखना होगा कि अन्य छात्रावासों में क्या स्थिति हो सकती है। जी मुस्कान, तो हमने देखा कि हॉस्टल अधीक्षक की इसमें बड़ी लापरवाही आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर लापरवाही तो है यहाँ पर और लगातार जो है जिस पर जो आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त है, उन्होंने भी जो है इसमें संज्ञान लिया है और सभी दूर जो है इस प्रकार की लापरवाही ना हो उसे दूर करने के लिए भी आश्वस्त किया है। जी धन्यवाद गोपाल जी। तो जैसा कि हमने देखा, बुरहानपुर जिले के देड़तलाई गांव के ग्राम गोदरी में गरीब छात्रों से मजदूरी कराया जा रहा है। यह मामला ग्राम गोदरी के आदिवासी बालक छात्रावास का है, जहां छात्रावास में बच्चों से मजदूरी और कपड़े धोने के साथ साथ रोटियां तक बनवाई जा रही हैं, जबकि यह बच्चे दूसरे गांव से पढ़ने के लिए अपने भविष्य बनाने के लिए आए हैं। और यहां पे हम देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि बच्चों से रोटियां बनवाई जा रही हैं, कपड़े तक धुलवाए जा रहे हैं।